गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे, ठीक, बढ़िया। जो शाम को वीडियो देख रहे हैं उसके लिए गुड इवनिंग, जो दोपहर में वीडियो देख रहे हैं उसके लिए गुड आफ्टरनून। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बताओ? लास्ट क्लास में हमने सबसे पहली क्लास हमने एडमिशन में क्या देखा था? रेशो के ऊपर। उसके बाद हमने क्या देखा एडमिशन में? कुछ और दूसरे टाइप के रेशो। अब मैं आपके क्वेश्चन के डाउट लेता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन एक असाइनमेंट भेजा था आप सभी को, या फिर आपके टीएस ग्रेवाल में एक क्वेश्चन है, 8 या 9 के आसपास होगा, जिसके अंदर मल्टीपल उसके अंदर ऑप्शन थे, मतलब के क्वेश्चंस गिवन थे। तो हम उसको करते हैं एक एक करके। तो मैं तो अपने असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन लिख लूं बताओ? क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूं मैं 8। आज सारे डाउट लेंगे और रेशियो का पोर्शन पूरा खत्म कर लेंगे हम, ठीक है? देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं मैं, और क्योंकि आज मेरे पास शीट नहीं है, फिर भी आपको क्वेश्चन साइड में दिखेगा। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है आर एंड टी आर पार्टनर इन अ फर्म। देखो, आर और टी एक पार्टनर है एक फर्म में, और इसका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। कुछ बच्चों ने कर लिया होगा तो वो टैली कर ले बस। ज्वाइन द फर्म, आर सरेंडर 1/4, और आर बोलता है कि मैं दे दूंगा 1/4 हिस्सा। अब देखने वाली बात है, ऑफ हिज शेयर कहता है, ऑफ हिज शेयर। और टी कहता है 1/5 ऑफ हिज शेयर। टी कहता है मैं दे दूंगा 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए, तो अगर टोटल हम मिला लें यहां पे, तो बताइए क्या रिजल्ट बन के आता है? टोटल अगर हम मिला ले तो किसको दिया जा रहा है? ये दोनों मिलके एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसका नाम है एस। आर और टी ने किसको दे दिया? एस को। एस न्यू पार्टनर है। आगे क्वेश्चन में कहता है हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल, सबसे पहले आर कितना देगा? तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में आर सरेंडर, आर सरेंडर इन फेवर ऑफ एस। आर का खुद का कितना है? 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 इसका खुद का है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? 1/4, क्योंकि अपने हिस्से का ये दे रहा है, तो इसका मतलब ये 3/8 देगा। सेम ऐसे टी सरेंडर इन फेवर ऑफ एस, खुद का कितना है? 3/5 होगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 20। इसके बाद 2/5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 2/25 आ गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम देखेंगे किसका? आर का। तो आर का न्यू रेशियो, देखिए आर का न्यू रेशियो क्या आएगा? पहले से 3/5 था, जिसमें से इसने 3/20 दे दिया, तो बचा कितना इसके पास? तो सिंपल एलसीएम 20, एलसीएम आ गया 20, और 20 के हिसाब से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 5/4 12 माइनस में 3, तो आ गया 9/20। ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, ठीक है बच्चे? इसके बाद सेम टी का हम न्यू शेयर प्रॉफिट रेशियो निकाल ले। 2/5 तो था इसके पास टी के पास पहले, उसमें से कितना दे दिया? 2/25। ये इक्वल नहीं है, माइनस है। एलसीएम क्या आया बताओ? 25। जब 25 एलसीएम आया 5, तो 10 माइनस में 2, 8/25। अब हमें निकालना है एस को कितना मिला भाई।
एस न्यू शेयर, एस को मिला है दो लोगों ने दिया है, एक दिया है आर पर्सन ने, एक टी पर्सन ने। तो आर ने कितना दिया, 3/20 और प्लस में 2/25। तो इसका शेयर अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ के तो कॉमन क्या आता है हमारा, एलसीएम। तो देखो 100 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 100। बाकी जिसको नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 100 आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे 15 और -4 और दुनी 8, तो क्या आ गया बताओ यहाँ पे, 7/100, है ना, 7/100। अब निकाल लेते हैं तीनों का, तीनों का निकालेंगे तो तीनों का क्या आएगा हमारा, आर टी और एस। आर का बताओ क्या है भाई, आर का 9/20 और इसका क्या है 8/25 और एस का क्या है 7/100। सबको मैं 100 करना चाहता हूं नीचे, तो कॉमन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करें, 5 से, इसको मल्टीप्लाई 4 से, तो रेशो हमारा क्या निकल के आ गया, डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो 45:32:7 क्या कॉमन आ सकता है इसमें, अब बताइए क्या कॉमन आ सकता है हमारा आंसर में, नहीं आ सकता। और इसका मैंने 7, ओहो ये प्लस है, ध्यान देना, ये तो ये 23 आ जाएगा ना, 15 और 8 23, ठीक है, इसको ध्यान रखना बस, 23। तो यहां भी 23, ये लो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। किसी को डाउट फटाफट नोट करिए, फिर बी पार्ट पे चलते हैं हम, ओके, नोट करिए, बी पार्ट पे चलते हैं। हाँ चलिए बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में कहता है ए और बी पार्टनर है, दे एडमिट सी। ए और बी पार्टनर है, सेकंड पार्ट यानी ए और बी पार्टनर है, और इसने क्या करा, एडमिट कर लिया किसको, सी को 1/4 शेयर के लिए। सी को एडमिट किया इसने 1/4 शेयर के लिए, और इसका पहले से शेयर क्या था, इसका पहले से जो शेयर था वो नहीं बताया हमें इसने। ए बी पार्टनर, दे एडमिट सी 1/4 शेयर। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, और यानी हम मान लेते हैं इसका पुराना रेशियो रहा होगा 1:1। अब ये दोनों क्या कहते हैं कि हम फ्यूचर में, इन दोनों ने अपना फ्यूचर का रेशियो दे दिया, और फ्यूचर में बोलते हैं हम दोनों का रेशियो जो होगा वो होगा हमारा यहां पे, बताइए क्या गिवन है, 2:1, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन ये बना, कुछ बच्चों ने हो सकता है कि जब किया होगा तो मे बी पॉसिबल है कि उन्होंने इसको नहीं माना होगा कि पुराना रेशियो 1:1 है। तो एक बात ध्यान से समझना है, जब फ्यूचर रेशियो देता है तो सारा काम फ्यूचर रेशियो से ही होगा हमारा। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 1/4, तो सिंपल है, देखो ना तो ये एक्वायर कर रहा है ना ही ये सरेंडर कर रहा है, तो सिंपल, तो सिंपल किससे स्टार्ट होगा, लेट। तो लेट टोटल शेयर क्या माने, 1, रिमेनिंग आफ्टर, रिमेनिंग आफ्टर किसके, सी के। तो 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3/4। अब ये जो 3/4 है, क्योंकि 1 किसका था, ए का, बी का और सी का, तभी तो टोटल शेयर बोला। अब जो बचा है हमारे पास सी का, अगर इसमें से टोटल में से माइनस कर दिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसमें से आपने सी का हटा ही दिया तो ये किसका बचा, ए प्लस बी। अब जो बच्चे फ्यूचर रेशो बोलता है ना हमारा, तो ये बोलता है कि फ्यूचर में जो हमारा बचा है उसको कैसे बांटा जाए।
तो अगर क्वेश्चन में बोले कि फ्यूचर में हम 2:1 में बांटेंगे, तो अब इसी से काम सारा स्टार्ट होगा। अगर ये नहीं बोलता तो हमारा पहले पुराने रेशो में, मान लेते हैं कि ये पुराने रेशो में अब भी एग्री हैं, पुराने रेशो में ही अब भी एग्री हैं अगर कुछ ना बोला जाए, अगर कुछ बोल दे तो वही फ्यूचर रेशो है। चलिए, ए का न्यू शेयर, न्यू शेयर 3/4 में से वो क्या लेगा, 2/3 यानी 6/12। सेम बी का न्यू शेयर 3/4 में से 1/3 यानी 3/12। चलिए अब रेशो निकाल लेते हैं ए का, बी का और सी का। ए का रेशो क्या बनेगा हमारा, पहले से हमें पता चल गया 6/12, 3/12 और 1/4, सेम कर दे मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, तो रिजल्ट क्या आया हमारा 6:3:3। तो हमारा जो रिजल्ट आया 6:3:3, कॉमन लेके कर सकते हो आप 2:1:1, ये कर सकते हो आप कॉमन ले करके। चलिए सेकंड पार्ट भी मैंने कर दिया है, इसको भी नोट करिए। मैं सारे पार्ट करूंगा, कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन करने के, ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो दिक्कत ना हो। जिसने कर रखा है बकायदा, जब मैं वीडियो डालूंगा तो वहां पे मेंशन होगा ये कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट से एक बार। चलिए अब कौन सा पार्ट करेंगे हम, थर्ड। थर्ड पार्ट आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने किया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। फिर भी मैं कर देता हूं थर्ड पार्ट। कहता है ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इसका 3:2 है। 3:2 तो याद होगा हमने पहले भी किया हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छा सर, 3:2 दे एडमिट सी 1/5, और सी बेचारा आया, सी आया, सी बोलता है मैं हिस्सेदार बनूंगा, ये हमारा सी है कितने के लिए, 1/5 के लिए। अब आगे कहता है सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी बोलता है भाई मैं ए, सी कहता है, सी कहता है ए से कहता है कि भाई मैं तुमसे ले लूंगा, यानी सी इससे ले लेगा, तो ए और सी के बीच का एग्रीमेंट है। लेकिन बोलता है 1/5 लूंगा, तो बच्चे यहां पे लोटपोट होते हैं, सर इसका तो 1/5 था और ये सी से 1/5 ले ही लेगा, तो अब बी से कुछ नहीं लेना। हाँ चलो आगे पढ़ के बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जब कहता है कि हिज शेयर, कहता है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 फ्रॉम बी, और कहता है कि भाई 4/5 बी से भी लेगा, है ये कैसा क्वेश्चन, इसमें कैसी बात कर दी इसने, जब ये 1/5 इससे ले ही रहा है तो फिर इससे क्यों ले रहा है। तो समझो बच्चे इस बात को, इसका कहने का मतलब है मैं अपने हिस्से का 1/5 इससे लूंगा, अपने हिस्से का, ऐसा नहीं कहा इसने। और दूसरे पॉइंट में कहता है कि मैं जो है अपने हिस्से का नहीं, कहता है दूसरे पॉइंट के अंदर देखो तो कहता है 4/5 फ्रॉम बी, और बाकी का 4/5 किससे लेगा, बी से। यानी चलो पहले हम सी और ए की जो हमारा समस्या है उसको सुलझाते हैं, तो हम बोलेंगे सी टेकन, टेकन फ्रॉम ए, बताओ कितना लेगा। तो आंसर इज ए से लेगा 1/5, तो खुद का है ये तो खुद का है ये वाला, मल्टीप्लाई अपने हिस्से का कितना, 1/5, तो यानी ये 1/25 लेगा। और बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना लाइफ में, अगर मैं बोलूं अपने हिस्से का इतना लूंगा तो हमेशा मल्टीप्लाई करके निकालना होता है, अपने हिस्से का 10%, अपने हिस्से का 20%, तो मल्टीप्लाई करके ही तो परसेंटेज निकालोगे। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि भाई मैं तुमसे अपने हिस्से का 1/25 तुमसे ले लूंगा, बाकी तुमसे लूंगा 4/5।
अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बाकी इससे लेगा, क्वेश्चन में बाकी बोल देना चाहिए, कितना बोलता है क्वेश्चन में, 4/5। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका भी तो ऐसे होगा, सी टेकन फ्रॉम बी 1/5 इंटू 4/5। ऐसा नहीं है बच्चे, यही बात यहां पे ट्विस्ट है, यही बात आपको समझना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले में बोला उसने 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का उससे लेगा, तो पहले अपने हिस्से का 1/5 तो निकालो फिर लेगा। दूसरे में कहता है 4/5 फ्रॉम, डायरेक्टली बोल रहे 4/5 फ्रॉम, तो यहां पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां पे डायरेक्टली 4/5 ले लेगा। आप चेक करो ना, आप चेक करो ना, देखो 1/25 प्लस में 4/5, 4/5 है, 25 है, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद 4/25 होना चाहिए, हो सकता है मे बी। मिस प्रिंट हो सकता है इसमें, 4/25, 4/25। अब इन दोनों को मैच करो ना, इन दोनों को ऐड करो ना, ये 4/25 है, आप करेक्ट कर लेना। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, आप बिल्कुल सॉल्व करिए, तो क्या आता है 5/25, यानी इसका आंसर आ गया 1/5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/5 आ गया इसका आंसर। तो सेम क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से बोलना चाहता हूं अब मैं। देखो सी ना ए से बोलता है अपने हिस्से का 1/5 लूंगा, और फिर सी बोलता है भाई अपने हिस्से का नहीं, मैं तो तुझसे 4/25 ले लूंगा, सिंपल लैंग्वेज में ये बोला है इसने। तो भाई चलो ए का न्यू रेशियो निकालते हैं। अब ए का न्यू शेयर, न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा, पहले से 3/5 होल्ड करता है, माइनस में 1/25 तो ये दे देगा, तो एलसीएम लिया तो क्या आ गया 25। सॉल्व करेंगे तो 25 को क्या आएगा, 5, 15 माइनस 1, यानी 14/25। गलत होता है बता दिया करो कैलकुलेशन में। सेम बी का अगर मैं निकालू, तो बी का पहले से 2/5 था, माइनस में 4/25 डायरेक्ट होगा यहां पे, क्योंकि फ्रॉम वर्ड है, तो सर इस वाले में भी फ्रॉम था, तो ऑफ के बाद है, तो यहां पे एलसीएम भी 25 आया, 10 माइनस 4, यानी यहां पे आ गया 6/25। सी का शेयर तो पता ही है 1/5, तो हम निकाल लेते हैं ए बी और सी तीनों का। ए का शेयर क्या आएगा, आया था हमारा 14/25, बी का 6/25, इसका 1/5 था, मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम करिए 5, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 14:6:5। तो हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का, 14:6:5। चेक करिए एक बार आप, और इसे नोट भी करिए फटाफट से, फिर हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। ठीक है, करिए नोट, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट। इससे ना काफी सारे पिछले भी डाउट आपके क्लियर होंगे। कर लिया नोट, चलो इसे मिटा देते हैं। जिसने नहीं करा तो पता ही है, कंट्रोल आपके हाथ में है, नोट जरूर करना है, बिना नोट के तो भाई अब बेकार हो जाएगा सारा। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई और जेड पार्टनर है, तीन पार्टनर है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टनर है और रेशियो 3:1 है, 3:2:1 है। ठीक है, अब डब्लू ज्वाइन एज ए न्यू पार्टनर 1/6, और यहां डब्लू आता है, ओ भाई डब्लू, डब्लू आता है, डब्लू बोलता है भाई 1/6 के लिए आऊंगा, 1/6 के लिए, डब्लू आता है 1/6 के शेयर के लिए प्रॉफिट, जेड वुड रिटेन द ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं।
इसका मतलब है कि जेड बोलता है कि भाई मेरा हिस्सा ना हिलना नहीं चाहिए, तुम डब्लू को बुलाओ, बबलू को बुलाओ, राम को बुलाओ, पी को बुलाओ बुलाओ, हमें मतलब नहीं है, लेकिन मेरा हिस्सा हिलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इसका हिस्सा कितना है जो हिलना नहीं चाहिए, 1/6। बोलता है मेरा तो यही रहना चाहिए, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। यानी जो PSR चेंज होगा वो ये दोनों करेंगे, ये दोनों अपना डिटेल लेंगे। समझ में आई बात? अब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो और डिटेल समझ में आएगा। मैंने करा लेट टोटल शेयर, अब मुझे आप बताइए टोटल शेयर अगर मैं 1 मान लेता हूं तो किस किस का 1 होगा? ये x का भी होगा, प्लस y का होगा, प्लस z का होगा, क्या w का होगा? बिल्कुल, जब टोटल मान रहा हूं w का। मैं रिमेनिंग कर देता हूं, रिमेनिंग आफ्टर, पता है हम रिमेनिंग आफ्टर किसके लिए करते हैं? जिसका शेयर चेंज नहीं होना फ्यूचर में वही रहेगा। तो रिमेनिंग आफ्टर W, तो W का फ्यूचर में भी 1/6 रहेगा, एंड और किसका फ्यूचर में क्या रहेगा? Z। तो 1 में से अगर मैं W का 1/6 माइनस कर दूं और मैं Z भी बोलता भाई मेरा हिस्सा भी कोई छेड़ेगा नहीं, इसका भी माइनस कर दूं, तो अब बताओ ये कौन है हमारा W और ये कौन है हमारा Z, दोनों के निकाल दिए। तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो कितने पार्टनर रहेगा? 2 का, X और Y, और वो आपस में बांट लेंगे इस रेशियो में। किस रेशियो में? अपने रेशियो में। तो यहां पे देखा जाए तो इसको माइनस करने के बाद एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 6, ठीक है? तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 यानी 4/6, है कि नहीं? क्या आ गया हमारा? 4/6। चलिए 4/6 पे अधिकार किसका है? x और y का। 4/6 पे अधिकार किसका है? x और y का, ये ध्यान देना है। तो हम निकालते हैं x का, x न्यू शेयर, न्यू शेयर। तो x का इन दोनों का बस अलग से लेके चलेंगे हम, तो 3/5 है, तो 4/6। x का न्यू शेयर क्या है हमारा? पहले कितना लेता था ये ध्यान से देखो, पहले क्या था? इसका हिस्सा तो मैंने निकाल ही दिया, ये 3/6 के लिए था, तो इन दोनों का शेयर जो था 3/6, तो इनटू में 3/6, तो ये आ जाएगा हमारा 12/36। सेम वाई का निकाल लेंगे न्यू शेयर, वाई का क्या था? 2/6, इनटू में देखा जाए तो हमारा वाई का पहले हम लिखते हैं 4/6, तो टोटल था जिसमें से वाई का कितना निकल जाएगा? 2/6। अभी मैं आऊंगा आपके पॉइंट पे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके माइंड में, 36, ठीक है? अब मुझे बताओ क्या इन दोनों का जोड़, क्या इन दोनों का जोड़ 4/6 हो रहा है? चेक करो, 12 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 36, यही है, वो कॉमन आ जाएगा ना, 36 36, तो 12 और 4 16/36, काटते हैं इसको, 4 और 4 निम 36 है, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं कि भाई ये 4/6 जो है वो a प्लस सॉरी x प्लस में y का है, तो जब ये बटेगा तो उन दोनों का जोड़ भी तो फिर ऐसे ही होना चाहिए, इस तरीके से समझो। मान लो आपके पास 10 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है और ये 10 रुपए बांटने हैं आधे आधे, एक मोहन को देना है आपको, एक खुद रखना है आधे आधे, तो आप मोहन को कितना दोगे? 5 और खुद रखोगे 5, आपके पास थे कितने? टोटल 10, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ो तो टोटल 10 तो होना चाहिए। अगर मैं बोलूं 10 रुपए को बांटने के बाद मेरे पास 5 गया, मोहन के पास 6 गया, तो क्या बांटने में गड़बड़ी नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। सेम यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, यही क्वेश्चन आ रहा होगा कुछ बच्चों के माइंड में कि अगर मैं 3/6 और 2/6 में बांटता हूं तो इन दोनों को वापस जोड़ा जाए तो नॉट इक्वल टू 4/6, 4/9 के आ रहा है ये। इसका मतलब ये बांटना तो हमें सिर्फ दो के बीच में, तो तीसरे को क्यों इन्वॉल्व करोगे? तो रेशो क्या लोगे? 3/5, तो रेशो क्या लोगे? 3/5।
और यहां पे क्या लोगे, 2 बाई 5। अब देखेंगे तो ये आएगा 12 बाई 30 और ये आएगा 8 बाई 30। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसका यही आएगा। मैं तो सारे प्रूफ के साथ चलता हूं भाई, 12 बाई 30 प्लस में 8 बाई 30, 80 है ना भाई, 4 दुनिया 8। ठीक है, तो 20 बाई 30, 20 बाई 30 अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 30 है ये और 6। तो देखो इन दोनों को जो मिला अगर इसको जोड़े तो इक्वल टू ये है, यानी अब मेरा आंसर ठीक है। तो ये ध्यान रखना था हमें इस क्वेश्चन में। फिर से क्वेश्चन रिपीट करूं, देखो दो तीन पार्टनर थे, W आता है, उसके बाद एक पार्टनर बोलता भाई मैं अपना हिस्सा तो नहीं चेंज करूंगा, तो उसको भी मैंने निकाल दिया, बाकी जो बच गए उस दोनों पार्टनर के दोनों के रेशो में कर लिया। अब निकालते हैं हम तीनों का रेशो, पता तो चल ही गया हमें किसका क्या है, इसका 12/12 और इसका 12/30, इसका 8/30। अब निकालते हैं एक्स का, वाई का, जेड का और डब्ल्यू का। एक्स का क्या है 12/30, इसका क्या है 8/30, इसका क्या है हमारा जेड का 1/6, मना किया था, और इसका भी 1/6। डिनोमिनेटर सेम करिए, चलिए डिनोमिनेटर सेम करें तो बाय इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, ठीक है चेंज हो गया। अब बताइए क्या रेशियो रिजल्ट निकल के आया। सर इसका रेशियो रिजल्ट निकल के आया 12:8:5:5। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया पॉइंट नंबर 4 का, 12:8:5:5। नोट करिए फटाफट से, किसी को नहीं दिख रहा तो, नहीं दिख रहा तो ये थोड़ा सा विजुअल नहीं हो रहा था, मैंने दिखा दिया, अभी नोट करिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 4 के बाद चलते हैं हम, चलते चलते हैं, चलते चलते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना आप सब, जरूरी भी है, एग्जाम आपके फेब या मार्च में हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट कहता है ए बी आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिट सी एंड डी। ओहो दो पार्टनर आ गए भाई इसमें तो, और याद होगा दो पार्टनर एडमिट वाला भी किया था हमने, टी वाला, एस टी वाला है ना, इसको नोट कर लिया आपने। अब किसी को डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दे दिया करो स्क्रीनशॉट लेके, क्वेश्चन में सर आपने ये वाला स्टेप कैसे लिया, तो मैं वॉइस रिकॉर्ड करके दे दिया करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिट सी एंड डी। ए और बी एक इक्वल पार्टनर है, ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर है। इक्वल का मतलब क्या होता है बताएंगे जरा आप, 1:1। एडमिशन जो दे रहा है ये सी को देता है और डी को देता है, सी 1/5 और डी 1/6 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे एक सी आया और एक डी आया, ये आया 1/5 के लिए और ये आया 1/6 के लिए। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो इसको भी मैं दो एस्पेक्ट से करूंगा, जैसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है पहले मैं ये कर दूं। तो ये दोनों एडमिट जो है ना एक साथ है, यहां पे ये नहीं बोला कि पहले सी आया फिर डी आया, इसने बोला सी एंड डी दोनों एक साथ आए, तो फिर से हमारा वही प्रोसेस रहेगा, लेट टोटल, क्योंकि एक्वायर सरेंडर तो है नहीं, शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा ये आफ्टर। अब भाई टोटल 1 है तो टोटल ए बी सी डी सबका है ना, तो आफ्टर हम सी एंड डी कर देते हैं, सी एंड डी, ये सी है और ये डी है, तो इसके बाद आफ्टर अगर हम करें तो क्या सॉल्यूशन आएगा, 1 माइनस में 1/5,
माइनस वन बाई सिक्स। एलसीएम लो चलो फटाफट, 30 एलसीएम, आंसर 30 माइनस सिक्स माइनस फाइव, तो 19/30 यही आएगा ना। 6 और 5 11 माइनस करेंगे तो 19/30। अब ये 19/30 किसका बचा, इन दोनों का इक्वली बांट लेंगे। तो हम निकालने जा रहे हैं ए का न्यू शेयर, बताइए क्या होगा। 19/30 मल्टीप्लाई 1/2, 19/60। सेम ऐसे अगर मैं बी का न्यू शेयर निकाल लूं, न्यू शेयर, तो बताइए क्या आएगा। 19/30 इंटू में 1/2 यानी 19/60 दोनों का। मैं दोबारा समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो दो पार्टनर आए थे, एक पार्टनर का नाम था ए और एक पार्टनर, ये पुराने पार्टनर हैं जिसको हम ओल्ड पार्टनर बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर। और जो इनकी ये वाली रेशो होती है वो पुरानी रेशो होती है, और हमें ये वाली नई रेशो निकालते हैं। तो सी और डी बोलता है हम दोनों आ रहे हैं, तो मैंने क्या करा, टोटल शेयर एक मान लिया। तो टोटल शेयर एक का मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अब कैसे सॉल्यूशन करें, मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं एक काम करता हूं ना, पहले एक में से जिस नए पार्टनर का रेशियो तो हमें पता ही है, उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो जो नया पार्टनर आया है उसका तो निकाल के बाहर ही करो, बाकी तो चेंजेस किस में होंगी, पुराने पार्टनर में। बताओ ना, अब आपके पास 100 रुपए है और आपके साथ एक हिस्सेदार आता है 20 रुपए के लिए, तो वो तो फ्यूचर में 20 है, चेंजेस किस में होगा, आपके और आपका जो दूसरा पार्टनर है। मान लो आप ए और बी, राम और मोहन 100 रुपए बांटा करते थे तो 50-50 बांट लेते थे, लेकिन एक पार्टनर आ गया 20 रुपए के लिए, श्याम। तो राम और मोहन 50-50 बांटते थे, श्याम 20 के लिए आए, तो पहले हम श्याम को अलग करेंगे, ले भाई 20, अब हम दोनों बांटेंगे 40। तो पुराने पार्टनर के रेशियो पे फर्क पड़ता है हमेशा, तो इसलिए हमने नए पार्टनर को तो बोला भाई तू तो लेके निकल, बाकी हम देखेंगे क्या करना पड़ रहा है। तो हमने आपस में बांट लिया। अब फिर से रेशियो निकालते हैं, किसका, ए का, बी का, सी का और डी का। ए का रेशियो है 19/60, बी का रेशियो है, बी है 19/60, और सी का रेशियो 1/5 और डी का 1/6। तो भाई इसको डिनोमिनेटर को सेम किया जाए तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा, है ना, 12 5 60, और इसको 10 से, तो रेशियो क्या निकल के आया बताइए। 19:12:10। ये तो आपके बुक का किताबी नॉलेज, किताबी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा वेरिएशन करूंगा, और उस वेरिएशन के बाद आपको पता चलेगा आपके बुक में। अगर मैं आंसर देखता हूं, कौन सा था हमारा ये भाई, क्वेश्चन नंबर था ये 2 3, कुछ दो आंसर शायद 4, ये रहा फिफ्थ, 19 12 10। हाँ जी ठीक है, तो बुक के हिसाब से तो मैंने कर दिया, आप इसको नोट करिए और नोट करते करते मुझे जवाब दीजिए। क्या होता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या होता अगर, जैसे मान लो ए बी, और क्या होता है पहले हम सी को बनाते पार्टनर, उसके 2 घंटे बाद, मान लो एग्जाम्पल है, 2 घंटे बाद, 2 आवर के बाद हम डी को बनाते। आज की डेट पे दोनों को एडमिशन दे रहे हैं हम, सी को भी डी को, लेकिन पहले कौन एडमिट हुआ, आप मुझे जवाब दो। पहले सी, डी तो उसके 2 घंटे बाद आया। तो अकाउंटेंट जब रेशो निकालेगा तो 2 घंटे पहले कुछ और रेशो होगा, 2 घंटे बाद कुछ और रेशो होगा, होगा कि नहीं। अगर दोनों आ जाता एक साथ तो अकाउंटेंट एक बार में निपटारा कर देता, लेकिन पहले अगर सी आता फिर अगर डी आता तो कुछ और बात होती वहां पे, क्योंकि डी के लिए पुराने पार्टनर होते ए बी और सी, ठीक है ना। डी के लिए
पुराना पार्टनर जो होता ए बी और सी, और सी के लिए पुराने पार्टनर होते ए प्लस बी, चैन समझो आप। ए और बी पुराना पार्टनर था, सी एडमिट आया तो सी तो बोलेगा भाई पुराने पार्टनर ए बी है, लेकिन डी जब आया तब तक ये एडमिशन ले चुका था, तो पुराने कितने हो गए ये, आप ऐसे समझो। आप अपना एडमिशन कराने गए और एडमिशन कराने जो सबसे लाइन में आगे होगा, मान लो आप हो, आपके दोस्त है मोहन सोहन जो भी है, तो आपने एडमिशन किया, तो जो पिछला वाला होगा वो बोलेगा ये तो पुराने बच्चे हो गए, एडमिशन तो हुआ है लेकिन ये मेरे से पहले हुए तो इनका हो चुका है। तो सेम यहां पे कंसेप्ट है, सी जो है बोलेगा भाई ए बी पुराने हैं, जब डी आएगा तो बोलेगा हैं पहले से ए और बी सी है, तो यानी पुराने पार्टनर कितने हैं, तीन। तो यहां पे ये क्वेश्चन रेज होता है, तो एक बार नोट करिए और पॉज करके नोट करिएगा, क्योंकि मैं इसे इरेज करके मैं जो अभी मैं क्वेश्चन में बनाने की कोशिश कर रहा था मैं वो समझाने जा रहा हूं, अब उसको मैं और ज्यादा डिटेल में लेके जाना चाहता हूं। ओहो वो भी मिट गया, कोई बात नहीं। ए बी और सी था यहां पे 1/5 और डी था यहां पे 1/6, यही था ना। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो भाई बोलो, चेक करना पड़ेगा यार, आप तो नहीं बोलते बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखना। मान लेते हैं ए और बी एक फॉर्म है, इस फॉर्म में सी और डी इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं। इस फर्म का जो अकाउंटेंट है, इस फर्म का जो अकाउंटेंट है, जैसे ही ये दोनों आए तो फर्म का जो आप अकाउंटेंट है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे फर्म की अच्छे से अकाउंटिंग करें, तो आपकी जिम्मेदारी ये थी कि ए और बी और सी और डी का एक नया रेशियो बनाया जाए ताकि भविष्य में इसके प्रॉफिट को सही से बांटा जा सके। तो जैसे ही ये दोनों आए तो सबसे पहले ये मान लेते हैं 1/5 के लिए आया और ये आया 1/6 के लिए, तो इसने बोला चलो लेट वन करके करते हैं। तो लेट वन जब इसने टोटल किया वन, तो वन में से तो ये तो अभी स्टिल जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है, जब नए पार्टनर आ रहे हैं तो इसके लिए तो दोनों ही नए हैं। इसके लिए अकाउंटेंट के लिए मुझे बताओ ना, अकाउंटेंट के लिए जो था दोनों ही नए हैं, ये मेरा अकाउंटेंट है, तो ये आपके लिए तो दोनों ही नए हैं। बोलो जल्दी से, ए और बी पुराने पार्टनर है और ये अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट देख रहा है, देख रहा है, और सी और डी जब आया तो इसने क्या सोचा, भाई नए पार्टनर आ गए हैं दो दो, नए पार्टनर के बाद अब मैं रेशो निकाल लूंगा। आपने रजिस्टर निकाला, पेन निकाला, आपने इस्तेमाल किया लेट टोटल वन, वन में से नए पार्टनर का तो कोई चेंजेस होता नहीं है तो इसको निकाल दो, तो आपने करा 1/5 - 1/6, जो बच गया था हमारा, जैसे कि हमारा क्या बचा था बताओ ना, तो 19/30 बचा था, ये बचा था, तो जो बच जाता है उसको किसका होता है, वो ये दोनों बांट लेते हैं। तो अकाउंटेंट ने इस हिसाब से रेशो निकाल दिया, लेकिन अकाउंटेंट की समस्या कब बढ़ जाती, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से देखना, अब केस में दूसरा बता रहा हूं। मान लो सी आया, टिक टिक सी आ गया, बोला मुझे एडमिशन दो, अकाउंटेंट ने बोला बहुत बढ़िया एडमिशन देते हैं, तो बताओ आप अकाउंटेंट हो, आप अकाउंटेंट हो, आपने कहा लेट टोटल शेयर वन रिमेनिंग रिमेनिंग आफ्टर, अब मुझे आप जवाब दीजिए, अब किसका माइनस होना चाहिए, सी का, सी का क्या है -1/5 यानी 4/5। अब 4/5 जो है, क्योंकि तीन ही पार्टनर है अकाउंटेंट के नजर में, अभी समय हो रहा है 12 बज गए, समय 12 o'clock, 12 बजे दिन में, और यहां पे जो है वो दो ही अकाउंटेंट है, तीसरा अकाउंटेंट इसी को देख पा रहा है, तो इसने इसी के अकॉर्डिंग सोचा,
अकाउंटिंग सोचता है, भाई पुराने पार्टनर दो, नया पार्टनर एक, पुराने पार्टनर दो, नए पार्टनर एक, ए भाई बी पार्टनर, नया पार्टनर सी आ रहा है, तो इसने बोला हाँ भाई मैं लेके आया, इसको एडमिशन दो। इसने बोला चलो टोटल वन, और टोटल वन किसका, ए प्लस बी प्लस सी। ओहो, बोला उसमें से तो नए पार्टनर का हिस्से में छेड़खानी नहीं, उसको तो करो अलग, बाकी ये बच गए आप दोनों के जी, आप दोनों के बच गए, तो ए का शेयर और बी का शेयर आ गया, ए का न्यू शेयर आ गया और बी का न्यू शेयर आ गया, क्योंकि इनका हिस्सा कम हो जाता है हमेशा नए पार्टनर के बाद, तो इसका हिस्सा आ गया। अगर 1:1 है तो 4/5, और 4/5 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 4/10 और इजिकल टू 4/10। समस्या सॉल्व। अब बच गए एक न्यू रेशो, न्यू रेशो इसने जल्दी 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 निकाला। आपने न्यू रेशो निकाला, फटाफट बताइए क्या निकाला आपने, निकाला 4/10 इस टू 4/10 इस टू 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई टू। तो आपने रेशियो निकाल के बता दिया सर 4:4:2, ये रेशियो निकाल के बताया। कॉमन लेके भी बता दोगे आप, मे बी पॉसिबल है, कॉमन लेके भी आप बता दोगे सर इसका और आंसर हो सकता है 2:2:1, बहुत बढ़िया। अब बजे दो, टिंग टिंग, 2 बजे, ध्यान से सुनना, 2 बजे, 2 बजे। अब डी धीरे धीरे चल चल के आ रहा है, धीरे धीरे लोटता पोटता आ रहा है, डी आ रहा है। अब बोलता है अकाउंटेंट भाई मुझे भी एडमिशन दो। पुराना पार्टनर पूछता है ए बी और सी, तुम तीनों तो पार्टनर हो, तुम तीनों का रेशो ये है, एक नया पर्सन आ रहा है डी, क्या इसको एडमिशन देना है। ए ने बोला हाँ भाई, बी ने बोला हाँ भाई, सी ने बोला हाँ भाई। अच्छा अब ये अकाउंटेंट फिर से क्या करेगा, फिर से क्या करेगा सोचो, फिर से करेगा लेट लेट टोटल टोटल शेयर वन। अब वन किस किस का मान रहा है ये, क्योंकि एडमिशन हो चुका है। अब जो नया पार्टनर आया है डी, उसके लिए पुराने कितने पार्टनर है सर, इसके लिए ए भी है, बी भी है और सी, जिनका एडमिशन हो चुका है वो पार्टनर है। अब क्या करेगा ये, फिर से करेगा रिमेनिंग 1 - 1/6 यानी 5/6। 5/6 किस किस के हिस्से में जाएगा सर, ये पुराने पार्टनर बांटेंगे ए प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, विजुअल है ना, एक बार चेक करिए इसको, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ चलिए अब विजुअल है, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से करा रहा हूं आपको, आपको दिखता जाएगा। रिमेनिंग, रिमेनिंग के बाद मैंने शॉर्ट में लिखा है रिमेनिंग, समझा रहा हूं। अब बताओ आगे का स्टेप क्या होगा सर, सिंपल। अब क्या होगा, ये तीनों में बांट दो ना, अच्छा ए में बी में और सी में, यानी ए का भी न्यू रेशो है और बी का भी न्यू रेशो और सी का भी न्यू शेयर, न्यू शेयर, न्यू शेयर, ठीक है। तो सर कैसे निकाले, तो अरे बड़ा ही आसान है सर, 5/6। अब बताओ पुराना रेशो क्या है ए बी सी का, सर पुराना रेशो ए और बी का 1:1 और सी का 1/5। नहीं बेटे नहीं, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए पुराना पार्टनर ये है, तो जो ये रेशो निकाला था 1 घंटे पहले, 2 बजे आया था, अब 1 घंटे पहले जो ये रेशो निकाला था वो रेशो पुराना रेशो माना जाएगा, उससे पहले वाला तो बात खत्म। इसका मतलब इसका आएगा 2/5, सेम इसका आएगा 5/6 इंटू में 2/5, और सेम आएगा 5/6 इंटू में 1/5, ये वाला रेशियो में जाएगा ये। तो इसका सॉल्यूशन करें तो 10/30, इसका 10/30 और इसका 5/30। अब क्या रेशियो निकल जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब क्या रेशियो निकलेगा, बिल्कुल सर, ए का रेशो है, ए का रेशो क्या है भाई, ये पुराने क्वेश्चन है, इसे लाइन डाल देते हैं, ए बी
सी और डी ऐसे कर लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है। ए का हमारा आया है 10/30, बी का 5/30, 10/30, सी का 5/30 और डी का 1/6। डिनोमिनेटर सेम करें, 5 × 5, ठीक है। तो रिजल्ट सब में सेम आ गया, तो क्या रेशियो निकल के आया, 10:10:5:5, यानी 2:2:1:1। ये देखो, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, नया जो पार्टनर आया है उसका रेशियो कभी चेंज नहीं होता, तो नए पार्टनर का कैलकुलेट करो, देखो 1/6 ही आएगा, पुराने पार्टनर का रेशियो हमेशा चेंज हो जाता है क्योंकि वो सेक्रीफाइस करता है। सेक्रीफाइस वर्ड आज हम पूरा सीखेंगे। सेक्रीफाइस का मतलब वो जो है अपना कुछ हिस्सा दूसरे के नाम देना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, ठीक है। अब आप इसको एक बार नोट करिए, फिर हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी इसको भी पॉइंट बना के नोट करिए आप। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ओहो, लास्ट क्वेश्चन देखो। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर, और हमारा पुराना रेशियो दे रखा था। चलो ये भी करके समझा दूंगा, ये करूंगा नहीं मैं, ये आपको होमवर्क होगा, ठीक है ना, आपका होमवर्क रहेगा ये। चलिए मिटा देते हैं इसको। लास्ट पार्ट इसका ना, लास्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। लास्ट पार्ट में कहता है ए और बी इसका रेशियो हमारा 3:2, नया पार्टनर आता है सी, और ये आता है J/4 नहीं है, 1/4, वो मिसप्रिंट है, 1/4 के लिए। और ए और बी बोलते हैं हम फ्यूचर में बांटेंगे 1:1 में। अब बताइए, जब फ्यूचर रेशो देता है तो पुराने रेशो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ध्यान रखना है। अब हमें कैसे करना, मैं कर ही देता हूं। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग आफ्टर किसके भाई, रिमेनिंग आफ्टर सी 1 − 1/4 यानी 3/4। तो 3/4 किसके बटेगा, इन दोनों में। अब इस रेशो में नहीं बांटना, इस रेशो में। तो ए का न्यू रेशो देखो, अब समझ गए होगे आप, ए का न्यू शेयर जो है वो 3/4 मल्टीप्लाई 3/5। ओहो गलती, 1/2, 3/8। सेम ऐसे बी का शेयर 3/4 × में 1/2 यानी 3/8। आंसर क्या आया, ए बी और सी 3/8, 3/8 और 1/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 3:3:2 आंसर आ गया। चलो मैंने निकाल दिया, होमवर्क नहीं दिया, इसको नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मैं समझाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है हर किसी को, क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए बी और सी और डी, ए बी सी और डी। देखो क्वेश्चन ना आपके बुक में अलग हो सकता है, टीएस ग्रेवाल की बुक रेफरेंस देते हैं हम, तो आपके बुक में अलग हो सकता है, तो एक बार क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, रेशियो से मिला लो और उस पर टिक कर लेना, ठीक है ना। ए बी सी और डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था 36, 24, 20 और 20, अंटीनी 20। ई ज्वाइन पार्टनरशिप 20% ऑफ शेयर, बोलता है ई आ गया और ई भी बोलता है भाई 20%, 20% इज इक्वल टू पता है 1/5। अब समझ में आया। और ए बी सी डी ने फ्यूचर में डिसाइड किया, बोला फ्यूचर में हम रेशियो रखेंगे, इन सब ने डिसाइड किया, अभी कराया था ये मैंने, फ्यूचर में 4/10
सॉरी पहले 3 by 10, 4 by 10, 2 by 10, 1 by 10, तो इन सबको जोड़ लो, 3 4 7 2 9 और 1 10, यही है। तो ये फ्यूचर रेशियो, यानी फ्यूचर का रेशियो मैं सिंपल बताऊं 3:4:2:1 है। अब कैसे करेंगे, अभी करा था ना क्वेश्चन, लेट टोटल शेयर करोगे 1, रिमेनिंग करोगे 4 में से, तो क्या आएगा जो भी रिमेनिंग बच गया हमारा 1/5, तो 4/5 आएगा। अब 4/5 जो बचेगा वो इन चारों का हिस्सा होगा, जिसको हमें इस रेशियो में तो नहीं बांटना, हमें इस रेशियो में बांटना है, फिर हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। हमने 3 पार्टनर का किया था, यहां पे 4-5 पार्टनर का आ गया है। ठीक है, मैं 1-2 स्टेप करके दिखा देता हूं। लेट टोटल शेयर 1, रिमेनिंग आफ्टर किसके भाई, आफ्टर ई। अब ये 4/5 कौन बांटेगा, ए। तो ए का न्यू क्या होगा, बस मैं यही करूंगा, 4/5 मल्टीप्लाई ए का ये रेशियो लेना है, ये 3/10 यानी 12/50। बी का भी कर देता हूं, बस बी का 4/5 में से ही कितना आएगा, 4/10 यानी आपका 16/50। ठीक है, सी का बता दो आप। सर सी का 4/5 तो टोटल था, उसमें से सी का 2/10 यानी 8/50। डी का बता दो, चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर 4/5 × 1/10 यानी 4/50। न्यू रेशियो अब निकाल ही देते हैं, जब इतना कर दिया तो ए बी सी और डी, ई भी है भाई, ई भी है। इनका रेशियो क्या आया, 12/50, 16/50, 8/50, 4/50, 1/5, 10 से मल्टीप्लाई कर दे 50, तो रेशियो आ गया 12:6:8:4:10। कॉमन लेना चाहते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, और फिर क्या आ जाएगा हमारा 2 इसमें से कॉमन लेंगे, 6:3:4:2:5 ये रेशियो भी माना जाएगा। ठीक है, कर दिया मैंने क्वेश्चन। चलो मैंने सोचा कि चलो कंफ्यूज ना हो, कुछ बच्चे बोल रहे सर दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा, चलो अभी दिखाते हैं। सुन तो लिया ना आपने, एक बार नोट करके फिर देख लेना, ये लो जी क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन समझेंगे, अब ये तो पक्का मैं समझाऊंगा कराऊंगा, नहीं मैं ये पक्की बात है, ये तो पॉज करके नोट करना भाई, नोट करना बहुत जरूरी है, नोट नहीं करोगे तो सब रह जाएगा फोन में, और एग्जाम में तो फोन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद एक है हमारा 13, देखो ए और बी पार्टनर है और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और सी एडमिट होता है 1/4 के लिए, आफ्टर वर्ड डी एंटर 20 पैसे, सी एडमिट 1/4 के लिए होता है, इसके बाद होता है, इसके बाद डी आता है भाई 20 पैसे के लिए, 20 पैसे का मतलब 1/5, 20% ही है। तो पहले एडमिशन आपको सी को देना है, उसके बाद आपको एडमिशन डी को देना है। तो जब सी आएगा तो इसके लिए ओल्ड पार्टनर ये है, जब डी आएगा तो इसके लिए ओल्ड पार्टनर ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो यानी 2 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, करा था ना अभी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, सेम वैसा ही क्वेश्चन यहां बना के दे दिया गया है, तो आप एक बार उसको ध्यान से देखेंगे फिर इसको करेंगे, ये आपका होमवर्क में रहेगा स्टिल जिसका पेंडिंग है। चलिए 14
12 के बाद ये था हमारा 13 जो मैंने अभी करा है, ये मेरे असाइनमेंट का 13। अब इसके बाद 14 को समझ ले। कहता है एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, दे एडमिट जेड पार्टनरशिप। एक्स गिव 1/3 शेयर, वाई गिव 1/10 शेयर, जेड कैलकुलेट। ये तो सिंपल ही हो गया सरेंडर वाला, ये कर लोगे आप। अगला देखते हैं, ए बी सी पार्टनर है, रेशो दे रखा है, डी एडमिट करता है 1/6 के लिए, सी रिटेन द ओरिजिनल शेयर। याद आया सेकंड लास्ट पार्ट 8th क्वेश्चन का, ओरिजिनल शेयर रिटेन करता, तो सेम वैसा है, ये भी आप खुद करोगे। देखो फिर भी नहीं आता तब तो मैं हूं ही। अब इसे जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर हम सीखेंगे कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशो, और हर किसी का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीखेंगे आज। और लास्ट रहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगली क्लास से हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी नोट करिए। हाँ जी बच्चे, नोटिंग किया ना सारा, चलो अब चलते हैं अगले रेशियो की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आता है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग। आप बताइए सेक्रीफाइसिंग मतलब क्या होता है, फटाफट डिक्शनरी में ढूंढिए सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता क्या है। बताइए मिला क्या, त्याग, त्याग। सर त्याग इस चैप्टर में कैसे आया? अब मुझे देखो, मान लो ए और बी, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट था हमारा 500 रुपए या 900 रुपए, प्रॉफिट था हमारा 900 रुपए का, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, समझिएगा। पार्टनर ए और बी, प्रॉफिट कितना है 900, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो मुझे जवाब देना, ए के हिस्से में और बी के हिस्से में कितने कितने रुपए बटेंगे, जवाब दो। सर इन दोनों में बराबर बराबर बटेंगे, 450 और 450, ठीक है, 450 और 450, ये आपका आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। अब मानते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, ए बी और सी आ जाता है एक पार्टनर, न्यू पार्टनर। तीनों ने मिलके म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि हमारा रेशो 1:1 रहेगा, या नए रेशो क्या होंगे वो तो जानते हो, इतने सारे कॉन्सेप्ट के निकालने, 1:1:1 रहेगा। अब बताओ तीनों में कितने कितने बटेंगे। सर इसके हिस्से में 300, 300 और 300। अब बेचारे ए को ध्यान से देखो, क्या नए पार्टनर के आने के वजह से ए के साथ कुछ हुआ है, या जैसे पहले ए था अब भी वैसा ही है? ए पहले लिया करता था 450, अब लिया करता है 300। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है, पहले यानी पुराना ओल्ड, पहले लेता था 450, अब 300, मतलब 150 का सेक्रीफाइस किया है। सेम बी के साथ देखे जाए तो बी ने भी कितना सेक्रीफाइस किया है, पहले 450 अब 300, तो इसका मतलब इसने भी 150 का सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो बात यह है कि सी के आने की वजह से जो पुराने पार्टनर होते हैं उसको प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम कम हो जाता है, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस करना। अब मान लो सी बोलता है, मैं आऊंगा और अपने साथ तुम्हारे लिए, एक तो मैं आऊंगा और कैपिटल को लेके आऊंगा, क्योंकि भाई फर्म में बिजनेस के अंदर एंट्री देंगे
तो ए और बी तो काम कर रहे, तो सी जब आएगा तो क्या लाएगा? बोला सी के मैं कैपिटल लेके आऊंगा। मैंने बोला भाई ये तो ठीक है, जब तू जाएगा तो बोलेगा मेरा कैपिटल दे। ए और बी बोलता है कि मेरी इतनी मेहनत के बाद सीधा तू 300 हमारे बराबर आ गया, हमने 20 साल मेहनत करी और प्रॉफिट के मामले में तू बराबरी में आ गया। कैपिटल लेके आया है, तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तू कैपिटल लेके बाद में चला भी जाएगा, लेकिन हमारा प्रॉफिट कम हो गया, हमारे इतनी मेहनत का तो फल नहीं मिल पाया ना। तू तो आया और बना बनाया लड्डू खा के जा रहा है। तो बोला भाई ऐसे बात नहीं पड़ेगी बनेगी, तुम्हें ना गुडविल भी लाना पड़ेगा। और जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है ना, तो हम थोड़ा सा गुडविल ना बोल के उसको बोलेंगे प्रीमियम लाना पड़ेगा, प्रीमियम लाना पड़ेगा, तुम्हें तो प्रीमियम भी लाना पड़ेगा और प्रीमियम लेके आओ। जब इससे प्रीमियम मंगवाया गया तो प्रीमियम जब ये जाएगा सी, तो सी बोलेगा मैं जा रहा हूं भाई बिजनेस से जा रहा हूं, तो बोलेगा ले जा भाई अपना कैपिटल ले जा, तो ये कैपिटल ले जाएगा। ये बोलेगा मैं प्रीमियम भी लाया था, बोला ना ना ना, प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा मंगवाया था, वो हमारे बलिदान के बदले था। तो इस प्रीमियम को कौन बांटेगा जानते हो आप? बांटेंगे ए और बी। और किस रेशो में? इस रेशो में बांटेंगे, इस रेशो में, यानी 150 1:1 के रेशो में, जो कि ये सेक्रीफाइस है, तो इसे बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। समझ में आया सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकाला जाता है? रीजन यही है कि जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल लाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलता है, और वो बना बनाए लड्डू खाने लग जाता है, तो पुराने पार्टनर सोचते हैं हमारी मेहनत का तो फल मिला ही नहीं, तो उससे एक्स्ट्रा पैसे मंगवाते हैं, और एक्स्ट्रा को प्रीमियम बोला जाता है, प्रीमियम ऑफ गुडविल। बोलते हैं भाई तू तो एक्स्ट्रा पैसे ला, तो ऐसे बोलेंगे तो वो लाएगा नहीं, बोलेंगे हमारी मेहनत के पैसे ला, तो बोलते हैं गुडविल ला, तो वो गुडविल लाता है, और उस गुडविल को हम दोनों पुराने पार्टनर आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन ओल्ड रेशो में तो कर नहीं सकते, क्योंकि पुराने रेशो के टाइम पे तो था ही नहीं भाई वो, तो उसको किस रेशो में बांटा जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। समझ में आई बात आपको? आई ना समझ में आपको बात? हाँ सर हमें ये तो समझ में आ गया। तो सर इसका कुछ तो बताया नहीं आपने। अच्छा तो अब देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो को अब SR बोलूंगा, ठीक है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? बनाओ फॉर्मूला, याद करो पिछला, अगर एग्जाम्पल आपने अभी नोट किया है, पुराने में से 450 में से 300 माइनस किया, पुराने प्रॉफिट में से नया प्रॉफिट माइनस किया, तो यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो याद करो ना, वहां भी तो यही करा था आपने, कैसे निकाला था? 150 सेक्रीफाइस, पुराने में से नए को माइनस करके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके बुक में ना डायरेक्टली, जो नोट्स दिए, असाइनमेंट दिए, और बुक में डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो से है, तो उसको सॉल्यूशन करते हैं हम, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ए बी सी पार्टनर है और डी एडमिट होता है हमारा 1/3 के लिए। ए बी और सी रेशियो दे रखा है इनका 4:3:2, 4:3 और 2। डी एडमिट हो रहा है हमारा कितने के लिए? यहां पे 1/3 के लिए, और डी एडमिट होता है 1/3 के लिए। आपको कहा गया फ्यूचर प्रॉफिट और व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशियो चाहिए? बोलो ना, चाहिए। तो ओल्ड रेशियो क्या गिवन है? हाँ गिवन है। न्यू रेशियो भी चाहिए? हाँ चाहिए सर। क्या न्यू रेशियो गिवन है? नहीं, तो हम निकाल लेंगे, ठीक है? तो हम निकाल लेंगे, आपको हर चीज नहीं मिलेगी। हाँ तो लेट टोटल शेयर, क्योंकि सिंपल है, 1 रिमेनिंग आफ्टर डी, 1 - 1/3 यानी 4/, सॉरी 2/3।
अब 2 बाई 3 में किस किस का हक है भाई, ए का, बी का और सी का। तो एज न्यू शेयर सेम ऐसे बी का न्यू शेयर, तो ए का शेयर क्या आएगा, ये 2 बाई 3 तीनों बांटेंगे किस रेशो में, 4:3:2, तो 2 बाई 3 इंटू 4 बाय 4 और 3 7 और 2 9, 4 बाई 9, ठीक है ना। चलिए, और इसका क्या आएगा हमारा न्यू शेयर, 2 बाई 3 इंटू में 3 बाई 9, इसका क्या आएगा हमारा 2 बाई 3 इंटू में 2 बाय 9, तो इसका रेशियो आ गया हमारा 9:8, 8 बाई 27, 6 बाई 27, 4 बाई 27। रेशियो निकाल लें ए बी सी और डी, 8 बाई 27, 6 बाई 27, 4 बाई 27। इसके शॉर्टकट्स भी हो बाद में देखेंगे हम, 1 बाई 3, तो इंटू में 9 इंटू में 9, तो रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या आया सर, रिजल्ट तो बताओ। तो रिजल्ट आया 8:6:4:9, ये आ गया न्यू रेशो। ये क्या निकाला है हमने, ये निकाला है न्यू रेशो। सर इसमें तो सेक्रीफाइसिंग पूछा है, तो हाँ अब निकालेंगे ना सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग तो अब निकाला जाएगा ना, क्योंकि अभी तक क्या निकाला है, न्यू रेशो। हमें ओल्ड रेशो चाहिए था जो क्वेश्चन में गीवन था, ओल्ड रेशो चाहिए जो कि क्वेश्चन में हमारा गीवन है, न्यू रेशो चाहिए जो कि फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो मैं निकालने जा रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशो देखते हैं कैसे निकालें भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलिए मैं यहां करता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो ये लाइन मैं खींच देता हूं यहां से यहां तक, समझ में आ जाएगा ना। अरे बोलते क्यों नहीं हो आप, बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, समझ में आ जाएगा सर, समझ में आ जाएगा, गुस्सा क्यों होते हो। हाँ अब सेक्रीफाइसिंग रेशो मैं ए के लिए निकालूंगा, बी के लिए निकालूंगा और यहां निकालते हैं, चलो ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए, चार पार्टनर है, ए बी सी और डी, इन सब के लिए निकालूंगा ना, ए बी सी और डी। चलो ए का पुराना रेशो क्या कहता है, ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड रेशो है 4:9, बी का पुराना रेशो है हमारा 3:9 और सी का 2:9 और डी का, यही तो समझा रहा हूं मैं, हमेशा पुराने पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, नए वाला तो भाई ले रहा है, गेन कर रहा है वो, तो सिर्फ 3 का ही निकलेगा। अब जो माइनस करेंगे ए का, नए वाला, नए वाला 8, इसको कॉमन लेकर और छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो कि आ जाएगा हमारा 8:6:4:9, यानी आपका 4:3:2, नहीं कॉमन नहीं आएगा, अरे इसका 9 कैसे आ गया भाई, नो 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 नो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। चलो हो सकता है, तो ये आ गया, हाँ हो सकता है, ये रहेगा 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 10 28, यानी 27 है इनका टोटल। तो माइनस पहले का 8/27, दूसरे का 6/27, तीसरे का 4/27, नए वाले पार्टनर का कुछ नहीं करना, लेकिन टोटलिंग में सारा टोटल करेंगे, टोटलिंग जब करेंगे तो सारा टोटल करेंगे। आंसर सर ये लो जी, आंसर समझ में आ रहा है ना,
27 सेल्सियम, 9 3 12 माइनस 8 यानी 4 बाई 27, इसके लिए क्या एलसीएम? 27 सेल्सियम सर, 27 सेल्सियम तो 9 3 9 माइनस 6 यानी 3 बाई 27, इसका आंसर सर 27 सेल्सियम यानी 27 9 3 3 दूनी 6 माइनस 4 2 बाई 27, आंसर आ गया 4:3:2। सर ये तो पुराने वाला ही आ गया। नहीं, ये सेक्रीफाइसिंग निकला है, हमेशा सेम नहीं आएगा, कई बार सेम आ जाता है कई बार अलग आता है, तो ये हमने निकाला है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो नोट करिए, फिर मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कुछ और भी करके दिखाऊंगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फटाफट से नोट करें, नोट करें, नोट करें, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, नोट करिए। कर लिया, चलो और क्वेश्चन बुक के देखते हैं। आज ना रेशो रेशो खत्म करेंगे, कल से गुडविल। अब क्लास ना आपकी थोड़ी मैं बढ़ा देता हूं, क्योंकि दिसंबर में सिलेबस खत्म करना है, और फिर मैं सोच रहा हूं कि 2-2 घंटे की क्लास कर दूं, क्योंकि बड़ी चिंता हो रही है मुझे। लेकिन भाई उन बच्चों की तो क्या बात करूं, कुछ हमारे सुपरमैन बच्चे हैं और इतने होशियार बच्चे हैं कि वो उन्होंने अभी तक क्लास भी ज्वाइन नहीं किया है, तो उनका कैसे होगा? नहीं होगा भाई, मैं तो हर बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए क्लास ज्वाइन करिए। अगर किसी की कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वैसे तो पूरा दिल्ली ओपन हो गया है, तो मुझसे बात करिए, तभी तो मैं हेल्प करूंगा। अब आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ है, तो मैं कैसे आपके प्रॉब्लम को समझूं? आपको बताना पड़ेगा, तभी हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही कहते हो आप, एकदम बिल्कुल ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन। और कोई मिल जा भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओहो, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। कहता है ए और बी पार्टनर है, ए और बी, और इनका रेशियो दे दिया इसने 3:2, और डी एडमिटेड है, डी एडमिटेड है, सॉरी सी एडमिट है, और सी के एडमिट होने के बाद, सी एडमिटेड एज अ पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, और नया रेशियो ए बी और सी बता दिया इसने आपको 4:3:2। देखो अब नया रेशियो दे रहा है, पिछली बार सेम आया था, देखो अब बदल जाएगा थोड़ा सा। हमें क्या करना है? ओल्ड रेशो पता है? बिल्कुल सर पता है। न्यू रेशो पता है? बिल्कुल पता है। लेकिन न्यू में भी किसके लेंगे? पुराने ही पार्टनर के लेंगे। तो ए और बी, ए सेक्रीफाइस, प्रॉपर लिखना है आपको एग्जाम में, 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ए सेक्रीफाइस, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? ए सेक्रीफाइस करेगा भाई 3 बाई तो 5 था उसका, सेम ऐसे बी सेक्रीफाइस 2 बाई 5 तो पहले था, लेकिन उसमें से माइनस कर देगा 4 बाय 4, 3 7 2 9, 9 और 3 बाय 9। सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा? 45 आ सकता है, 45। तो 45 9 27 5 20, तो 7/45 इसका क्या आएगा? 18 माइनस में 15 डिवाइडेड बाय 30, और सॉरी 45, यानी 18 में से 3/ 45। तो जो रिजल्ट आया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 7/45, 3/45, तो आंसर इट 7:3। एक चीज और, कई बार जब हम आंसर निकालेंगे ना, मान लो यहाँ पे 18 है, 18 की जगह पे यहाँ पे 10 होता तो आंसर आ जाता नेगेटिव में। जब नेगेटिव में आंसर आता है तो वो क्या करता है? गेन, आपको याद रखना है, वो क्या करेगा?
गेन करेगा। तो गेन वाला भी कोई क्वेश्चन आगे आएगा, हम करेंगे वो तो गेन कर जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव आए जब हम सेक्रीफाइस निकालें, ठीक है। चलिए अब इसको भी नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, फिर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, नहीं तो सारा कॉन्सेप्ट तो हो ही गया, आपके क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। नोट करिए, फिर मैं कुछ खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए, आपके लिए तो कुछ भी खतरनाक नहीं है, जल्दी नोट करिए।